हाय कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 4 तो ही खास समीकरण रिकॉर्डिंग इक्वेशन हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में। हम लोग आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, ये वर्षों में दिया हुआ है ना, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो जो चीज़ हमें याद करना होता है बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन में, माना रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी आपको, रहमान की वर्तमान आयु में लिख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वर्ष, ठीक है बेटा। तो प्रश्न अनुसार सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 वर्ष पूर्व अब रहमान की आयु क्या हो जाएगी, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो 3 वर्ष आपको कम कर देना, तीन साल कम कर देना है, तो ये क्योंकि 3 वर्ष पूर्व होगा तो बैक चले जाएंगे हम, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है अगला, देखो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, पहले तो 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लिया, तो अब से 5 वर्ष आयु, 5 वर्ष पश्चात आयु है ना, तो 5 वर्ष पश्चात वाले भी आयु निकाल लेते हैं, रहमान की आयु, आयु हो जाएगा बेटा x प्लस में 5 वर्ष, ठीक है। प्रश्न अनुसार में क्या हो जाएगा बेटा, जो कहता है 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम का बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ है जैसे मान लो 2/3 है तो उसको उल्टा कर देना ना, 3/2 लिख देना, उसका व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये एक्स माइनस 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु ये वाला था एक्स माइनस 3, उसका व्युत्क्रम कर दिया प्लस है ना, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ऊपर एक्स प्लस 5 नीचे, ये दोनों व्युत्क्रम होगा। बोला क्या बोला था बीच में इनकी आयु का योग, तो योग का निशान डाला और क्या होता है 1/3 प्राप्त होता है ना, 1/3 है बोला, तो बराबर क्या रख देंगे 1/3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास एलसीएम आ गया है ना। तो जब एलसीएम आ जाता है तो ये पोर्शन क्या, देखो ये दोनों जो चीज़ें इनकी ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आना ही एलसीएम कहलाता है। अब क्या होगा ये जो पोर्शन है वो इसके साथ गुना होगा, यहाँ पे 1 है तो x प्लस में 5 ही आ जाएगा और ये वाला पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में प्लस का निशान, तो निशान तो बदलेगा नहीं, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है देखो एक्स और एक्स क्या होगा बेटा 2x हो गया और यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 5 में से प्लस का 5 ये माइनस का, तो घट जाएगा प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया बेटा और इसे गुना करेंगे तो ये आ गया 5x है ना, 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा और ये 1/3 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 एक्स स्क्वायर 5 में 3 के प्लस का 2x है ना, माइनस का 15 और ये आ गया 1/3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया एक्स स्क्वायर 5 में 3 जाएगा तो प्लस का 2x आ जाएगा और ये माइनस का 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आगे देखो है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे, तो कहता है अब यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक से देखो एक से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 15 माइनस में 15 बेटा, ठीक है। तो माइनस में 15 यहाँ पे और इसे गुना करेंगे तो 3 से गुना करें तो आ जाएगा 6x और प्लस में 3 दूनी 6, देखो 3 से गुना 3 दूनी 6 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6x प्लस में 6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इन सबको एक तरफ लियो, 6x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी 6 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो 6 में से 2 गया तो प्लस माइनस में 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 15 और 6 दोनों माइनस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 21 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो फाइनल आपके पास ये इक्वेशन बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस में 21, तो यहाँ पे आपके पास ये द्विघात समीकरण आपका बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा डी निकालूंगा, ठीक है ना, डी निकाल कर यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे मैंने क्या किया डी निकाल लिया, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी क्या होता है बेटा जो एक्स के साथ लिखा वो बी कहलाता है, तो यहाँ पे माइनस का 4 एक्स स्क्वायर 4 ए क्या आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए क्या यहाँ पे और सी क्या माइनस का 21, ठीक है बेटा। तो यह जाएगा 4 चौक 16 और ये माइनस बल्कि क्या हो जाएगा प्लस,
21 चौक क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, अल्टीमेट कहाँ पहुँच गया 100 पे आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गया 100 आ गया। जब डी की वैल्यू 100 है तो उसका मूल ज्ञात करना है यानी एक्स निकालना आपको, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे द्विघाती लिखेंगे आप, द्विघाती सूत्र द्वारा ना, द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या बेटा, तो ये आपके द्विघाती से एक्स लिखकर माइनस का बी प्लस माइनस आपके पास डी हो जाएगा अपॉन में क्या ये डी ना, ये क्या है द्विघाती सूत्र है। तो माइनस का बी क्या हो गया, बी आपके पास जो एक्स के साथ लिखा था वो बी कहलाता है, तो माइनस ये फार्मूले का माइनस और यहाँ पे जो चार है वो खुद का माइनस, तो माइनस का चार लिखा मैंने प्लस माइनस, और डी क्या आपके पास डी 100 निकल गया है। और जनरली बेटा क्या होगा कि यहाँ पे अब जो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि जो डी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, उसका वर्गमूल पूरा वर्गमूल निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या था उसको 2a, a की वैल्यू देखो क्या बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है तो एक है, एक मान लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का चार हो गया। अब ये क्या सौ का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा 2, तो एक इसको आप अलग अलग कर लो, चार प्लस में 10 ऐसे लिख सकते हो बेटा, और यहाँ पे क्योंकि माइनस में तो चार माइनस में 10 है ना, देखो यहाँ पे प्लस माइनस लिखो इसलिए मैं ब्रेक कर देगा, और प्लस में रिवर्स है माइनस में, तो क्या हो 14/2 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 6/2 हो गया, ठीक है। ये काट सकते हो आप, ये क्या 7 और ये काटा तो आ गया माइनस, ये आ गया आपके पास 7 देखा जाए अल्टीमेट, तो ये क्या और ये क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो एक्स की वैल्यू अभी ना ये सब क्या निकल कर एक्स की वैल्यू है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि एक्स की वैल्यू क्या निकल के, एक तो माइनस का 7 सॉरी प्लस का 7 निकला, और दूसरा क्या निकला एक्स की वैल्यू माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि किसी की भी एज कभी भी माइनस में होती है ना, एज क्या होगा नहीं, 0 वर्ष, कोई पैदा हुआ नया न्यू बॉर्न है तो 0 वर्ष, फिर आगे बढ़े 2 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, लेकिन माइनस में कभी किसी की एज होती नहीं है, तो ये माइनस वाला हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में ऋणात्मक किसी का एज नहीं हो सकता, तो आता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये हमारे 7 क्या हो जाएगा हमारे लिए यूज़फुल है, 7 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, रहमान जो रहमान की आयु क्या हो जाएगी बेटा 7 वर्ष हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर जो आपके लिए ना, अगर आप वो अगर आप देखो ध्यान से, आप कह सकते हो कि जो मेरा रहमान की आयु जो 7 वर्ष निकल के आया, कैसे पता लगेगा कि जो मेरा आंसर है वो ठीक निकला। तो देखो बेटा अगर आप ना ये वाली जो वैल्यू है अगर आप इसमें रख देंगे ना, रखने से अगर आपको 1/3 मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकल गया, ठीक निकला। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, चेक भी कर सकते हो आप, ये जो 7 वैल्यू है यहाँ पर इस वैल्यू जो समीकरण निकला है 1/(x-) और एक्स प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, अब यहाँ एक्स वैल्यू रख के तो 1/3 के बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो रहमान क्या है 7 वर्ष, वो क्या है बिल्कुल सही निकल के आया है ना, इसको ये हमें करना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर है ना, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर सॉल्व हुआ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि 4.3 में से जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका 4th से लेकर 11th तक, ये जो क्वेश्चन है 11 तक है ना, कुल मिला के जो करीब 7-8 क्वेश्चन बनते हैं 11 तक, ये जो 7-8 क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जरूर कवर करता है ये, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल पाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।